हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, जो कि रियल नंबर का बेसिक है। वैसे रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जो होते हैं दी कम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर का होता है। लेकिन हम नॉर्मली देखा जाए तो रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो रियल में हो। रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो रियल में होते हैं। रियल में कौन कौन से नंबर होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रियल नंबर 2 टाइप के हम लेके चलते हैं। एक क्या होता है? विदाउट डेसिमल होते हैं, और एक होता है विद डेसिमल नंबर। ठीक है, विदाउट के अंदर कौन कौन से आते हैं? नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, विदाउट डेसिमल के अंदर कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। इसको हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करें तब हमारे पास क्या होगा? एक हमने नंबर लाइन है, उसके ऊपर हमने कुछ नंबर को डिनोट किया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस साइड वालों को सभी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर, ये 0, और इस साइड वालों को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स। और इनके कम्बिनेशन को, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव का जो कम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या लेते हैं? 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के कुछ टाइप होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आते हैं? प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं, इवन ऑड नंबर आते हैं, परफेक्ट नंबर आते हैं। ठीक है, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर को क्या कहेंगे हम? होल नंबर्स कहते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव काउंटिंग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या थे? नंबर सिस्टम का बेसिक था। अब सेकेंड तरफ क्या आता है? सेकेंड विद डेसिमल नंबर्स। विद डेसिमल नंबर्स के भी कुछ पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद, 1 या 2 डिजिट के बाद क्या हो? टर्मिनेट हो जाए, यानी कि स्टॉप हो जाए। जैसे कि हम मान लीजिए 5/2 है, 5/2 को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया, पॉइंट के बाद क्या है? 1 डिजिट के बाद क्या हो गई है? स्टॉप हो गया, यानी कि आगे कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही इसके। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए 10/3 ले लीजिए, 10/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.333 ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन बार बार क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। और इसी के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटिंग बाई पी बाई क्याओ, क्याओ नॉट इक्वल टू 0, वेयर पी एंड क्याओ आर इंटीजर्स। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, पी और क्याओ क्या है? इंटीजर्स हैं यहाँ पे। और रैशनल नंबर को क्या क्या कहते हैं? जिन्हें हम पी बाई क्याओ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इन्हें पी बाई क्याओ के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन दोनों को। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 5/2 लिखा था, फिर 5/2 क्या पी बाई क्याओ के फॉर्म में है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो वो किस में आ जाता है? 2.5 में आ जाता है, वो भी क्या एक रैशनल नंबर ही है। सेकेंड हमने 10/3 लिखा था, 10/3 भी क्या है? पी बाई क्याओ के फॉर्म में ही है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो किस में आता है? 3.333, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आता है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम? रैशनल नंबर कहते हैं। थर्ड आता है हमारे पास, ऐसे नंबर होता है जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है। पॉइंट के बाद ना रिपीट होता है ना टर्मिनेट, तो उन्हें क्या कहते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। और इस टाइप के नंबर्स को क्या कहेंगे हम? रैशनल नंबर कहते हैं। इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल। और भी टाइप के होते हैं, जैसे पाई है, √2 है, √5 है, √7 है, √11 है, ऐसे नंबर जिनके रूट नहीं निकलते हों। ठीक है, जैसे कि √13 ले लीजिए, ये सभी किस में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं।
हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइंड दी ए या फिर टू रैशनल नंबर, थ्री या फोर, सो ऑन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। यानी कि हमें टू रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, उसके अंदर हमने फाइंड करना है या तो एक रैशनल नंबर फाइंड करना आएगा या टू या थ्री या फोर, ऐसे कितने भी आ सकते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड दी थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन दी टू रैशनल नंबर्स। हमें ये टू रैशनल नंबर्स गिवन है, इसके बीच में हमने थ्री रैशनल नंबर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वन एंड टू है, इसके अंदर हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, थ्री रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आपने क्या करना है, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा लेकर उनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, एंड ऐसे ही आपने सेकेंड तरफ करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जितने रैशनल नंबर हैं, यहाँ पे हमें थ्री गिवन है, तो हमने एक ज़्यादा लिया फोर, फोर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फोर से डिवाइड, सेम यहाँ पे आपने इसको करना है, फोर बाय फोर एंड यहाँ एट बाय फोर। अब आपने इसके बीच के रैशनल नंबर को लिख देना है, इसके बीच के रैशनल नंबर क्या आ जाएंगे, फाइव बाय फोर, सिक्स बाय फोर एंड सेवन बाय फोर। ये तीनों क्या हैं, थ्री रैशनल नंबर हैं जो कि इनके बीच में आते हैं, वन एंड टू के बीच में आते हैं। अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जिनके डिनोमिनेटर सेम है, वन बाय फाइव एंड टू बाय फाइव। इसमें भी हमने थ्री रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमें निकालने हैं फोर रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने निकालने हैं फोर, तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा नंबर लेंगे, यानी फोर से एक ज़्यादा क्या फाइव आ गया, फाइव से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है और फाइव से ही आपने क्या करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है, एंड टू को भी फाइव से मल्टीप्लाई एंड फाइव को भी फाइव से मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फाइव बाई ट्वेंटी फाइव एंड टेन बाई ट्वेंटी फाइव। अब आपने इसके बीच के फोर रैशनल नंबर को राइट कर देना है, तो क्या आएंगे, सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव, सेवन बाई ट्वेंटी फाइव, एट बाई ट्वेंटी फाइव, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव। ठीक है, अब आप हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टू बाई थ्री एंड फोर बाय टू है। यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, थ्री एंड टू का एलसीएम कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, यहाँ पे फोर एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वेल्व आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं फोर बाय सिक्स एंड ट्वेल्व बाय सिक्स। हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं फाइव, कितने फाइंड करने हैं, फाइव करने हैं। तो जितने नंबर हैं रैशनल नंबर उससे एक ज़्यादा हम क्या करेंगे, लेंगे, फाइव करने हैं तो हम इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स से हमने इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ट्वेल्व को सिक्स से किया और सिक्स को फिर सिक्स से, ट्वेंटी फोर बाई थर्टी सिक्स एंड यहाँ पे सेवन टू टू बाई में थर्टी सिक्स। अब हम इसके बीच के रैशनल नंबर को क्या करेंगे, लिख देंगे, इनके बीच के कोई भी फाइव रैशनल नंबर आप यहाँ राइट कर दीजिए, जैसे ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स बाई थर्टी सिक्स, यहाँ पे हम सेवेंटी बाई थर्टी सिक्स, सेवेंटी वन बाई थर्टी सिक्स या फिफ्टी सेवन बाई थर्टी सिक्स। इन दोनों नंबर्स के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, उनके बाय में थर्टी सिक्स आपने लगाना ही होगा। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर हमें गिवन है उनके बीच के रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।